चामुंडा विच्छे स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्छे स्वाहा। मेरा नवमी पूजन हो गया और मैंने माता रानी को प्रसाद चढ़ा दिया और ये कन्याएं आई हुई हैं और मुझे इतनी कन्या मिली हमारे बिल्डिंग में इतनी थी। ये दोनों मेरी भतीजियां हैं, ये है छोटी और ये है सुग्गी और ये है रिया और ये है जिया। सॉरी टिया जिया का नाम हमारा और ये है टिल्लू। तो ये सारे बच्चे हैं, तो मुझे इतने ही बच्चे मिले और मेरा कन्या पूजन हो गया और मैंने हवन भी कर लिया और मैंने माता रानी को प्रसाद भी चढ़ा दिया है। तो बस और अभी मैं कन्याओं को विदा करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, तब करते हैं वीडियो का एंड। गाइस कन्या खिलाने के बाद मैं ऐसा थक गई थी कि मैं क्या बताऊँ, मैं ऐसा सोई। मैंने दो मैंने केले खाए और केले खाने के बाद मैं सो गई और अभी उठ रही हूँ अभी, और अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने में। सो गाइस चलिए अब थोड़ी बात करते हैं आप लोगों से थोड़ा, और तो आप बताइए आपके नवरात्रि। तो अब मैं बर्तन धो के आ जाती हूँ और मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, और सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी दशहरा इन एडवांस। क्या बात है। तो जी सबसे पहले मैं दशहरा का आप तो वेल विशेज है दशहरा के लिए आप सभी लोगों को। विजयदशमी की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ जी प्रिया जी, अभी इस टाइम वॉशिंग वेसल्स, बहुत तगड़ा वाला जुकाम हो गया है कल से, मैं बहुत परेशान हूँ इस जुकाम से। मुझे भी हो गया है, मतलब कल मुझे भी हो गया, सो के उठी ना गला एकदम जाम, कल रात से ही ना गला खराब, मतलब गला जाम हो गया, माय लॉ नोज ब्लॉक्ड और उसके बाद आपका हेडेक, बॉडी एक क्या बताऊँ, मतलब बहुत बुरी तरह। और कल मेरा फास्ट भी था, आज से शाम को उठी ना मैं, हाँ हाँ यार, अब पता नहीं क्या ना, एक्चुअली क्या है ना, ये जो ये क्लाइमेट स्विच कर रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और
से काफ़ी लोग सफ़ा कर रहे हैं फिलहाल अभी। ये कोल्ड एंड कफ इस टाइम काफ़ी जोर शोर से चल रहा है। तो गाइस मैं आप लोगों को भी कहूँगा प्लीज़ बी केयरफुल, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। कोई भी बर्तन धो रहे थे फिर मुझे याद आया मैं कैमरे को उठाऊं और दिखाऊं क्योंकि मैंने दोपहर में कैमरा नहीं उठाया था तो और गाइस एंड करूंगी तो इसीलिए मैंने कैमरा उठाया, मैं बर्तन छोड़ के कैमरा उठाई। और पता है कोल्ड लोगों को पकड़ने का एक रीजन और है, हमारे सपुत्र आयुष वो बिल्कुल नहीं मानता, वो एसी हमारे एनी टाइम ऑन कर देता है और उस चक्कर में हम लोग भी क्या बताया। और ये अभी जो ये सीजन है ये मतलब ये जो टाइम है इस टाइम को आपको अगर आप एसी और कूलर यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप बंद कर दें, फैन जब मिल रहे हैं बहुत मतलब मौसम चेंज हो रहा है तो गाइस एसी चला देगा वो मानता ही नहीं उसको चलाने तो ही नहीं मानता है वो बड़ा एसी के और उसके चक्कर में हमारी तबीयत खराब हो गई एसी एसी बिल्कुल बहुत खतरनाक चीज़ है। दिया मैंने मंदिर में जला दिया है और बर्तन भी मेरे साफ़ हो गए और किचन भी क्लीन हो गया है। अब मुझे बनाना है दाल चावल और तो थोड़ा सफरी हुई हूँ, अब मैं चल रही हूँ बनाऊँगी दाल चावल। और कैसी लग रही है मेरी ये ब्लू वाली साड़ी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और ये मेरी काफ़ी पुरानी साड़ी है ये सुबह सुबह मुझे ढूँढने में इतना टाइम लग रहा था, गुस्सा आ रही थी बहुत। एक तो खाना बनाना था, पूजा करना था, इतना मतलब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है मॉर्निंग का टाइम और कन्या वाले दिन, तो बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा तो मैंने ये वाली साड़ी निकाल पाई। और ये वाली साड़ी मैंने पहना और इस पर ये मैंने गोल्डन कलर का ब्लाउज इस पर कैरी किया। तो कैसी लग रही मेरी साड़ी मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फिर मैं दाल चावल बना लेती हूँ क्योंकि 9:30-10 बजे के करीब मुझे अन्न ग्रहण करना है और मतलब खाना खाना है मुझे और व्रत को क्लोज़ करना है। तो चलिए फिर मैं दाल और चावल बना लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। मॉर्निंग के टाइम मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैंने कंघी भी नहीं किया, मैंने ऐसे बाल को लपेट लिया, थोड़ा सा मैंने बिंदी लगा ली, थोड़ा सा मैंने लिप बाम लगा लिया बस, और मैंने कुछ भी नहीं लगाया था। ऐसे ही मैं एक साड़ी पहन के मैंने पूजा किया और उसके बाद मैंने कन्याओं को खिलाया और वीडियो भी साथ साथ में बनाती रही। ये मेरे सुबह वाले कन्या वाले छोले हैं, जो कन्या वाले छोले बचे हैं वो हैं जो आप लोगों ने देखा ही था, बहुत ही टेस्टी बने थे ये। जैसे कि माता का प्रसाद बहुत ही टेस्टी बनता है तो बहुत ही टेस्टी बने थे ये छोले, तो अभी मैं भी खाऊंगी। इधर मैंने बनाई है राइस, तो अभी मैं थोड़ा हल्का ही खाने वाली हूँ। और मैंने गले में थोड़ी खराश भी आ रही है, खराश भी आ रही है गले में। और खाना मेरा बन गया जैसे कि मैंने दिखाया, दाल चावल और छोले पूड़ी जो कन्या वाले जो बच्चे हैं माता का प्रसाद वो है, और बाकी दाल चावल मैंने ताज़ा बनाया हुआ है तो अभी मैं 1 घंटे बाद खाने वाली हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से, अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड और मिलते हैं आप लोगों से एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।